ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में जो आरक्षण दिया, अगर कोई किसी प्रकार का इसमें क्रीमी लेयर की तो बात ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं, कहां से आया क्रीमी लेयर? कौन कैबिनेट में ये सब झूठा मंत्री सब बैठ करके दिन भर बरगलाने का काम करता है देश के लोगों को? एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है, केंद्र सरकार ने इसे स्पष्ट कर दिया है, लेकिन बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसे मानने को तैयार नहीं है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। आरक्षण पर चर्चा तेज है, आरक्षण पर सियासत तेज है, लेकिन कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला ले लिया गया कि जो पहले से आरक्षण लागू है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं उसे लागू रखा जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि एससी एसटी कैटेगरी में किसी भी तरह का कोई क्रिमिनलियर लागू नहीं किया जाएगा। कोर्ट का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी ये क्रिमिनलियर की, उस पर तमाम तरह की चर्चा हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि वो पुराने जो प्रावधान है आरक्षण के एससी एसटी कैटेगरी में उसे लागू रखेगी। इसके बाद तो सियासत कमजोर पड़ गई है विपक्ष की, लेकिन बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रावधानों को मानते हैं और इसे जब तक कागजी तौर पर जारी नहीं किया जाएगा, उन प्रावधानों को पढ़ नहीं लेंगे, तब तक उन्हें केंद्र सरकार की बातों पर विश्वास नहीं होगा। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, ये सुन लीजिए। कोई प्रावधान नहीं है कहा जा रहा है, मुंह पे सब क्या आ रहा है, जब तक नहीं आया कभी नहीं आ रहा है, मतलब देखे ही नहीं, कुड़िया नहीं आ रहा, लोगों को देख लेने दीजिए, पूरा ऑर्डर आ जाने दीजिए, जब तक ऑर्डर की कॉपी नहीं मिलेगी और जब तक हम लोग शब्दों को नहीं देख लेते तब तक इस पर करना उचित नहीं है। लेकिन हम लोगों का साफ स्टैंड भाई, जो दलितों को आदिवासियों को जो आरक्षण जो मिला क्रीमी लेयर का स्टैंड, क्रीमी लेयर का कोई मतलब नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में जो आरक्षण दिया दलितों को आदिवासियों को, ये सामाजिक तौर पे जो प्रताड़ना होती थी, जो भेदभाव ऊंच नीच छुआछूत जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको देखते हुए दिया, जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है। तो ये हम लोग पूरी तरीके से इस चीज को हम लोगों ने पहले भी आप लोगों के समक्ष रखा है और जो पहले से जो चलता है जो आरक्षण है हम लोग उसके समर्थक हैं। अगर कोई किसी प्रकार का इसमें क्रीमी लेयर की तो बात ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं, कहाँ से आया क्रीमी लेयर? लेकिन कैबिनेट में मतलब है क्या? ये भाजपा के लोग इस तरह का काम में लगे रहते, लेकिन कैबिनेट में तो ये कहा जा रहा है कि कोई प्रावधान नहीं है, प्रावधान नहीं है सर, ये बात कही गई है कैबिनेट बैठक में, ये बात कही गई है। देखो एक बात समझ लीजिए, कौन कैबिनेट में ये सब झूठा मंत्री सब बैठ करके दिन भर बरगलाने का काम करता है, देश के लोगों को बेवकूफ बनाने में लगा रहता, कहते कुछ है करते कुछ है। ये भाजपा के लोगों को सब लोग जानते हैं, इनके चाल चरित्र को। चलिए तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ठीक है वो प्रावधान रखे गए हैं, लेकिन जब तक इस संबंध में जो आवश्यक कागजी कार्रवाई नहीं की जाती है, जब तक आदेश सामने नहीं आ जाता है तब तक वो इसे नहीं मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने आरक्षण पर अपना नजरिया स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि एससी एसटी कैटेगरी में क्रीमी लेयर की जो बात है वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए, जो पहले से आरक्षण में जो प्रावधान है एससी एसटी कैटेगरी में वो लागू रहने चाहिए। तो खैर इस पर अब जो है आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि तेजस्वी यादव फिलहाल केंद्र सरकार की बातों को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक कागजी तौर पर सब कुछ सामने नहीं आएगा तब तक उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार पर जो अविश्वास है तेजस्वी यादव का वो साफ तौर पर दिख रहा है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।